1 अगस्त साल 1882 को पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक थे। पुरुषोत्तम दास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में शुमार थे। उन्होंने हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना और नई क्रांति पैदा करने वाले टंडन जनमानस में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। 1950 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। साल 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।